सतयुग में हुए भगवान राम और माता सीता के स्वयंवर के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन आज के कलयुग में अगर कोई वैसे ही अपनी सीता ब्याहने जाए और वरमाला से पहले धनुष तोड़े तो ये बात शायद आपको हैरान कर देगी। जी हाँ, भगवान राम का अनुसरण करते हुए बुलंदशहर में एक दूल्हा खटोले की तर्ज पर हेलीकॉप्टर से अपनी होने वाली जीवन संगिनी को लेने पहुंचा। वहां पहले उसने धनुष तोड़ा, फिर आगे की शादी संपन्न हुई। यूपी की यह शादी काफी चर्चा में बनी हुई है। बुलंदशहर के जिस स्वयंवर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वैसा विवाह शायद आपने रामानंद सागर के धारावाहिक रामायण में देखा होगा या फिर किसी धार्मिक फिल्म में हुए आयोजन में। लेकिन हम यहाँ आपको जो दिखा रहे हैं यह बिल्कुल सच है। दरअसल राजस्थान से बारात लेकर यूपी के बुलंदशहर के अनूपशहर कस्बे में पहुंचे दूल्हे राजा मनोज ने उड़न खटोले से पहुंचने के बाद वरमाला से पहले बाकायदा भगवान राम की तरह अपने ससुराल पहुंचकर फूलों से सजे धनुष को तोड़ा, फिर वरमाला हुई। इसके बाद विवाह कर हेलीकॉप्टर से दुल्हन को लेकर अपने घर राजस्थान के लिए रवाना हो गया। आप हेलीकॉप्टर से अपनी बारात लेके आए हैं, ये विचार आपके मन में कैसे आया? ये मेरे जो पापा जी हैं, सबसे पहले तो उन्होंने ये चीज़ का प्लान बनाया था, फिर उन लोगों की मर्जी से ये सब हुआ। ये आपको कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है।